डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग, हालांकि एक फिजिक्स में नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है जिसका नाम है मानो नेत्र और रंग बिरंगा संसार, लेकिन इसके पहले वाले में, पिछले क्लास में, जैसा कि जान रहे हैं आप, जैव प्रक्रम वाले जो बायोलॉजी के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से कुछ दो तीन क्वेश्चन छूट गया था, तो उस क्वेश्चंस को हम पिछले क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। हालांकि हम जो स्टार्ट किए हैं तो एक फिजिक्स के सेक्शन को स्टार्ट किए हैं, और इस फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मानो नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये हम लोग चैप्टर को देख रहे हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर है, ये फिजिक्स का एक चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। हम इसमें यहाँ तक के पढ़े थे कि मानव नेत्र का आपको फिगर बना लेना है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस टंगा हुआ होता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग नेत्र के बारे में नोट डाउन कर रहे थे। तो और हम लोगों को मानव नेत्र में नोट एरो जो है बच गया था, यानी कि कुछ पॉइंट्स अभी हम लोगों को नोट करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, मानव नेत्र का बनाए भी होंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, तो एक गोलाकार संरचना, गोलाकार आकृति वाली एक भाग है, यानी कि नेत्र गोलक जो है उसका आकृति कैसा है, गोल है। यानी कि मानव नेत्र का जो आकृति है, आकार है, बिल्कुल गोल है। और इसका लगभग व्यास जो होता है, मानव नेत्र का व्यास, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। व्यास का मतलब जानते हैं ना, एक छोर से दूसरे छोर जब अगर सेंटर से गुजरता है तब वह व्यास कहलाता है। तो हम लोग मानव नेत्र का फिगर यहाँ पे देखे थे कि आगे होता है कॉर्निया, पुतली, और ये सिलियरी पेशियाँ हो सकती है जो लेंस को टांगे हुए होती है। तो ये भी सिर्फ फिगर बनाए होंगे, हम लोगों को और भी बात इसमें लिखना ज़रूरी है। तो चलिए लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर उसके नीचे, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो वही बात अभी हम समझाए भी कि हमें, हमारा जो नेत्र है उसका आकृति कैसा है, गोल है, जिसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। चलिए यहाँ पे भी जो हम लोग लिखें कि हमारा नेत्र में जो प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है, तो अधिकांश यानी कि 90 से 95% जो प्रकाश किरणें हैं उनका अपवर्तन बाहरी पृष्ठ से होता है। ये कॉर्निया है और कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। किसका अपवर्तन, तो प्रकाश किरणें का जो अपवर्तन है अधिकांशतः किससे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, ठीक है।
ये कॉर्निया है और ये कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ कहलाता है। तो ये कॉर्निया का जो बाहरी पृष्ठ है इसी से प्रकाश किरणें का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रकाश, याद रखिएगा कि प्रकाश किरणें का जो अधिकांश अपवर्तन है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। ये कॉर्निया, कॉर्निया का फिगर आप बिल्कुल बनाए होंगे तो दिख रहा होगा कि कॉर्निया हम लोग किसको कहते हैं। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से लगभग 90 से 95% प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि प्रकाश आने वाली, नेत्र में जो प्रकाश आती है उसमें हम लोगों का कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से अपवर्तन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किरणों का अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। यहाँ पे कॉर्निया के जस्ट पीछे एक संरचना होती है जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। लिखा जाए, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, एक संरचना होती है जिसे जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। चलिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉर्निया के जो पीछे की संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका। उसका नाम क्या है, परितारिका है। ठीक है, उसके बाद लिखा जाए नेक्स्ट एरो, परितारिका पुतली के साइज को, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, परितारिका जो है कहाँ होता है, तो कॉर्निया के पीछे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा कि परितारिका का काम क्या है, तो जो पुतली होता है यहाँ पे उसको साइज को बढ़ाता है या घटाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आप अचानक से प्रकाश चमकीला एकदम हाई लाइट अगर आपके आँख पे पड़ता है तो आपको चौंधियाना जैसा महसूस होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पुतली के साइज जो है अचानक उसको सिकुड़ना या फैलना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परितारिका का काम क्या है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करना। इसलिए कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि जब हम लोग एक्चुअली अंधेरे में हैं और जब बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाहर की वस्तु दिखने लगती है। लेकिन आप गर्मी, पूरा एकदम धूप वाले दिन है और बाहर से जब आप अंधेरे में जाते हैं तो मतलब जहाँ पे प्रकाश नहीं है वहाँ पे आपको कुछ देर के बाद आपको कुछ कुछ साफ साफ नज़र आता है, यानी ऑटोमेटिक आपको नहीं दिखता है क्योंकि आप लाइट से, आप हाई लाइट से आ रहे हैं, चमकीला प्रकाश से अंधकार की ओर देखते हैं, आपको नहीं दिखता है। कुछ देर के बाद आपको नॉर्मल तरीके से दिखता है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। जब आप चमकीले प्रकाश में होते हैं तो पुतली की साइज जो है जल्दी नियंत्रित नहीं हो पाता है। तो वही लिखे हैं कि परितारिका का काम क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करना, उसको नियंत्रित करना, बढ़ाना या घटाना। चलिए फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए नेत्र के भाग रेटिना पर, नेत्र के भाग रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जी हाँ, याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस का व्यवहार होता है और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र के पीछे होता है, पीछे वाला भाग को रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर मानव नेत्र में जो किसी वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका
प्रकृति क्या होता है? तो उसका प्रकृति होता है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँख में रेटिना पर कैसे बनता है, ये सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट एरो। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। इसी पर बना हुआ प्रतिबिंब का संदेश, इसी पर बना हुआ प्रतिबिंब का संदेश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। याद रखिएगा कि जो भी नेत्र होता है तो नेत्र के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग को रेटिना कहते हैं। ये हम लोगों का रेटिना है और रेटिना पे ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसका प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अक्सर सवाल पूछता है कि ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो हमारा मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस। और हम लोग किसी वस्तु को जब देखते हैं तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर, ठीक है, उसका नाम रेटिना है, या फिर उसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। याद रखिएगा कि रेटिना क्या है, तो रेटिना एक सूक्ष्म कोमल कोशिकाएं होती है, यानी कि बहुत सूक्ष्म झिल्ली होती है बोल सकते हैं, ठीक है। इसी सूक्ष्म झिल्ली के वजह से जो रेटिना पर हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो वहाँ से जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना इसका संदेश तंत्रिका द्वारा, यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे होंगे, जब अच्छे से बनाइएगा फिगर तो वहाँ पे क्लियर कट ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करके तंत्रिका तंत्र जाता है जो हमेशा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे जो भी किसी का प्रतिबिंब बना इसका फट से तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक संदेश मैसेज पहुँचता है कि आप किस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हमारा मस्तिष्क उसको पहचान सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे एरो। नेक्स्ट एरो, दृष्टि तंत्र के किसी भाग ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में कॉर्निया कॉमा कॉमा पुतली कॉमा लेंस कॉमा काचाभ द्रव कॉमा रेटिना के क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष वृत्ति उत्पन्न होती है। चाक्षुष वृत्ति उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, हमारा नेत्र के जो भाग होते हैं ना, नेत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो पुतली है, बीच में काचाभ द्रव होता है, कॉर्निया होता है, सिलियरी पेशियां होती है, ठीक है, रेटिना होता है। अगर ये तीनों चारों में कभी भी फॉल्ट आता है, फॉल्ट हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे आँख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगा। इसी को बोल सकते हैं चाक्षुष वृत्ति का मतलब हमारे आँख में आँख का कोई भाग जो है डैमेज हो रहा है। जैसे सही सही अगर रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, या फिर पुतली का साइज नियंत्रित नहीं हो रहा है, परितारिका में प्रॉब्लम है, कॉर्निया सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं चाक्षुष वृत्ति। यानी कि मानव नेत्र का कोई भाग, चाहे वो कॉर्निया हो, चाहे वो पुतली हो, चाहे रेटिना हो, चाहे परितारिका हो, अगर कोई सा भी है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगा, तब उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं,
चाक्षुष वृत्ति यानी कि आँख में प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग चाक्षुष वृत्ति को डिफाइन किए। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब प्रकाश अगर अधिक चमकीला होता है तो परितारिका जो है सिकुड़ जाता है, यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आँख पे फोकस अगर किसी भी किरण प्रकाश किरण का अगर फोकस आता है तो हम उसको नहीं सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि परितारिका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो याद रखिएगा कि परितारिका जो है ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। इसलिए अक्सर अगर हम लोग अंधेरे में चलते हैं तो क्या होता है, अंधेरे में अगर हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा आप आँख के पुतली को साइज को फैला कर हम देखते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि मंद प्रकाश यानी कि कम प्रकाश में पुतली का साइज जो है फैल जाता है और चमकीला प्रकाश में पुतली का साइज जो है सिकुड़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए आप इन चीज़ को भी लिख लीजिए, अत्यधिक चमकीला प्रकाश में पुतली का साइज सिकुड़ जाता है और मंद प्रकाश में पुतली का साइज फैल जाता है, मंद प्रकाश में पुतली का साइज फैल जाता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जो मंद प्रकाश होता है उसमें पुतली का साइज जो है फैलता है और तीव्र प्रकाश या फिर चमकीला प्रकाश बोल सकते हैं वहाँ पे सिकुड़ जाता है पुतली का साइज। यही कारण है कि जब हम लोग ज़्यादा धूप से अगर हम लोग आते हैं अंधेरे में तो कुछ देर के बाद हमको सही सही साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, नहीं तो अंधेरा टाइप दिखाई देता है। तो उसका इफ़ेक्ट यही है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही, हालांकि हम लोग पूरा नेत्र में हम लोग पूरा का काम खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे समंजन क्षमता, ठीक है। मानव नेत्र में जितना भी पॉइंट्स था उसको हम लोग नोट डाउन कर लिए। आप सिर्फ नोट डाउन ही नहीं कीजिए, आप चीज़ों को पढ़ते रहिए तभी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में हमेशा बने रहता है। तो आप चीज़ों को सिर्फ नोट डाउन करके छोड़ देंगे तो फिर इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए आप चीज़ों को नोट डाउन जो किए हैं हमेशा एक दो बार उसको दोहरा लिया कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। मानव नेत्र का जो टॉपिक्स था वो हम लोगों को ख़त्म हो गया। अगले दिन में हम लोग पढ़ेंगे समंजन क्षमता के बारे में। अब ये समंजन क्षमता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इससे रिलेटेड बातों को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।